आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज जमकर विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी शिमला पहुंचे। यूनियन अध्यक्ष यशपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन तेज होगा। आज विधानसभा के बाहर अपने आउटसोर्स साथियों के साथ अपनी मांगों को लेके खड़ा हूं। हमारी मुख्य मांगे है जो सुप्रीम कोर्ट का 18,000 रुपए मिनिमम जो बेजिस था उसको प्रदेश सरकार लागू करे, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति बनाए और जो इक्वल बेजिस फॉर इक्वल वर्क है उसको भी लागू करे, और जो हमारे बीच और सरकार के बीच में जो तीसरा बिचौलिया उन्होंने रखा है जो ठेकेदार है उसको बीच में हटा के हमारे साथियों को ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल, ग्रेच्युटी ये सुविधा जो है वो सारी जो है वो जो है प्रदेश सरकार उनको हमें दे और रेगुलर करे। बार बार सरकार ये बोलती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, और बड़े दुख की बात है जब चुनाव थे तब बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, इलेक्शन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि ये लोग जो है कांग्रेस के रखे हुए हैं, क्या किसी के माथे के ऊपर लिखा है कि ये कांग्रेस है या बीजेपी है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मियों के घेराव को लेकर कहा है कि सरकार की तरफ से इस विषय में जो भी करने योग्य होगा वह करेगी, लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को चुनाव के समय जिस तरह से आश्वासन दिया था उनके अपने मसले हैं, अपनी बात कहने का अधिकार उनको है, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम विचार करेंगे। मुझे लगता है कि सही बात तो ये है कि पिछली सरकार के दौरान जो है वो चुनाव से ठीक पहले उनको वहां पर खड़ा कर दिया, पीटर हॉप के मैदान में खड़ा कर दिया गया और नारे लगाने के लिए कहा गया मंच सर की मंच से की सातवीं बार राजा साहब, लेकिन उसके बाद सरकार उनकी थी और उनने बहुत बातें कही थी लेकिन उनने तो कुछ नहीं किया। हमारे ध्यान में सारे विषय हैं, इन सारी बातों को लेकर के आने वाले समय में जो बातें करने की हो सकती हैं उसके अनुसार विचार कर सकते हैं। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। लॉर्ड महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी आल्सो।